अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पार्सल के साथ हम हाजिर हैं। थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम S23 आईटेल का जो है वो अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। ये पार्सल हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। प्राइस से हमने ये मंगवाया, प्राइस .pk से ऑनलाइन हमने परचेज़ किया है। कुछ डिटेल्स भी हम आपको इसकी जो है वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है जी। ये देख लें, शिपमेंट की सारी डिटेल्स इसके ऊपर दी, और ओनली विद इन 2 डेज़ जो है वो हमें यह पार्सल जो है वो रिसीव हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें से कौन सा बॉक्स जो है वो मिलता है। या मैं आपको ये बता दूं कि वाइट कलर जो है वो हमने ऑर्डर किया है मॉडल का, मार्केट में ये शॉर्ट है इस वक्त, ठीक है। ऑनलाइन जो है हमें भी बड़ी मुश्किल से मिला, और जिस वक्त हमने ऑर्डर किया उस वक्त सिर्फ एक ही पीस अवेलेबल था। तो हमारी कुछ किस्मत ये कि हमें ये पीस जो है वो मिल गया, हमने ऑर्डर कर दिया। तो अब जो है हम इसको ओपन करते हैं। प्राइस हुई कि अपनी ब्रांडिंग के साथ ये बॉक्स है, ठीक है। तो इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं। ये ले जी, ये हमारा जो मेन वेरिएंट है वो आगे इसमें से बाहर, तो इसको भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं जी। बॉक्स के ऊपर जो वेरिएंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 256 GB रोम है इसकी, 16 GB इसकी जो है वो इंटरनल रैम है। S23 4G इसके ऊपर मेंशन है। 50 MP 90 Hz का डिस्प्ले इसके ऊपर। अगर नीचे की तरफ बात करते हैं तो सिर्फ मॉडल को डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पर भी S23 PTE अप्रूव लिखा हुआ है। अगर बैक साइड पे हम बात करते हैं तो आईटेल नीचे ब्रांडिंग दी गई है, और जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जनाब यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें मेंशन की गई, जैसे 50 MP है, लार्ज मेमोरी, 6.6 HD डिस्प्ले है जनाब 90 Hz के साथ, ठीक है, और ड्रॉप फुल स्क्रीन है। हाई स्पीड 4G को सपोर्ट करता है। 5000 mAh बैटरी है। टाइप सी जो है 10 W का चार्जर जो है वो इसके साथ हमें मिल रहा है। इस वक्त पैक्ड है ये, ठीक है जी, पूरा सील है। और कलर की बात कर लेते हैं जनाब, जो कलर हमने मंगाया है वो कौन सा है। तो कलर यहाँ पर मेंशन होगा जनाब, देख लेते हैं कलर कहाँ है जनाब। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्ट्री वाइट, ठीक है। 7 ME नंबर जो है वो दिए गए हैं, टैगिंग की गई है। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं आगे फर्दर हमें जो है वो क्या मिल रहा है। बॉक्स को ओपन कर लिया जी हमने, ठीक है। तो देखते हैं कि बॉक्स में से हमें कौन कौन सी चीज़ें, इनसाइड बॉक्स क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जी हमें हमारी डिवाइस मिल जाती है, तो डिवाइस को हम कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। और मज़ीद देखते हैं कि हमें क्या मिलता है जनाब। सबसे पहले ये केस मिलता है, हार्ड केस है, सिलिकॉन नहीं बना हुआ, हार्ड है ये, ठीक है। तो बना हुआ अच्छा है। अगर ये देखें तो सारा आपको बिल्कुल जो है वो स्मोक टाइप जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। इसको भी हम साइड पर कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब 12 मंथ वारंटी, ठीक है। कार्ड मिल जाता है, वैसे तो अब ऑनलाइन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब केबल के ऊपर। सी टाइप केबल है जी, अगर मैं दिखा सकूं आपको तो दिखा भी देता हूं कि ये सी टाइप केबल है, ठीक है, ये देख लें। तो इसको भी साइड पर कर देते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, सिम इजेक्टर टूल है जनाब, ये पिन है जो इसके साथ दी गई है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर चार्जर की तरफ। आईटेल की ब्रांडिंग की गई है जनाब, ठीक है, और 10 W का चार्जर है। इसका मतलब है कि ये स्लो चार्जिंग करेगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे ले लेगा अगर मैं फुल चार्जिंग की बात करूं, क्योंकि 5000 mAh को ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी कर देते हैं साइड पे, और हम आ जाते हैं अपने असल प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन करते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। तो ये जनाब सारी चीज़ हमारे सामने आ गई है। ये वाइट है, ठीक है जी। ये कलर जो है मार्केट में शॉर्ट है इस वक्त, ये भी मैं आपको बता दूं। कलर शॉर्ट होने की वजह क्या है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पीछे बैक पे देख लेते हैं जनाब। ये एक आपको नीचे जो है वो मैट स्टाइल दिया गया है, जबकि यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं इसको करूँ तो देखें इसमें ये देखें, ये कर्व स्टाइल आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये शाइनिंग है, जबकि दूसरा जो है वो ग्लॉसी में मैट फिनिश के अंदर बनाया गया है।
अगर इसके मैं कैमरास की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको तीन जो है वो कैमराज नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से एक फेक है, दो कैमरा, एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा जबकि एक जो है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि साथ फ्लैश लाइट दी गई है। अगर इस साइड पे मैं बात करूँ तो ये पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जबकि इसके साथ ही जो है वो वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिया गया, और इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। पावर ऑन ऑफ के बटन में ही जो है वो आपका जो फिंगर थंब इंप्रेशन जो है सेंसर वो बिल्ड किया गया है। अगर नीचे आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम दिखा देता हूँ, जो आपका स्पीकर है वो शो कर रहा है, सी टाइप चार्जिंग की पोर्ट है, इसके बाद माइक है, और इसके बाद 3.5 mm जैक जो है वो दिया गया है। इस साइड पर कोई चीज़ नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो आपकी सिम स्लॉट जो है वो दी गई है, ट्रे दी गई है, दो सिम जो है वो एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, मिनी नैनो सिम इसमें लगेंगी, प्लस जो है वो कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखते तो हमें कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं मिलती। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये जो है जनाब इस वक्त आईफोन को जो है वो कॉपी कर रहा है। इस वक्त जितने भी मॉडल मार्केट में आ रहे हैं वो सारे आईफोन की कॉपी ही जो है वो कर रहे हैं। आईफोन की जो अपना आईटेल की जो है वो ब्रांडिंग जो है वो बैक साइड पर कर दी गई है। तो ये आपके सामने इस वक्त की शाइनिंग और स्टाइल जो आपको नज़र आ रहा है। मैंने मोबाइल ऑन कर लिया है, तो ऑन करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, और सेटिंग करने के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर आपको इसके फीचर्स के मुतालिक जो है वो बता देता हूँ। अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो 6.6 इंचज़ का HD इसका डिस्प्ले है, और ड्रॉप नोट जो है वो इस वक्त इसके अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं कैमरा जो है वो फ्रंट दिया गया। जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और बैक का मैंने आपको बता दिया। जो मेन कैमरा है वो तकरीबन 50 मेगापिक्सल का, और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का है कि सपोर्टिव कैमरा जो है वो दिया है। तो मैं इसके ज़्यादा सेटिंग कर लूँ और उसके बाद फिर हम मज़ीद आगे जो वीडियो को लेकर चलते हैं। ओके जी, सेटअप हमने कर लिया है, ठीक है। और इसको सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैम स्टार्टिंग में भी इसने थोड़ा सा टाइम लिया है, तो ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ये जो है वो टाइम लेता ही है। तो ये सेटअप होकर हमारे सामने आ गया। मैंने आपको बता दिया 6.6 इंच की इसकी स्क्रीन है। अगर नीचे से मैं इसे अप स्क्रॉल करता हूँ तो ये सारे इसके मेन्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। 90 हर्ट्ज़ का जो है वो रिफ्रेशिंग रेट है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मूथली जो है वो वर्क कर रहा है। अगर मैं इसके iOS की बात करूँ तो मैं इसके सेटिंग में चला जाता हूँ, वहाँ से जाके आपको इसके मुतालिक बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शो की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनाब इसमें जो है वो 8.6 जो है वो आईटेल का अपना जो है OS इस्तेमाल किया गया है। प्रोसेसर के मुतालिक भी बता दिया गया है, 6606 का प्रोसेसर इसमें जो है वो यूज़ किया गया है, जिसकी जो बेंच मार्क है ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। एंटूटू का तकरीबन जो है वो 2.5 लाख के करीब जो इसका बेंच मार्क जो है वो बनता है। तो अगर मैं इसके अलावा बात करूँ इसके अपना मॉडल की, तो S23 शो किया गया, एंड्रॉयड का 12 वर्जन इसमें यूज़ किया गया है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं, 8 मेगापिक्सल मेंशन है। अच्छा, इसमें ख़ूबी ये है कि अगर आप इसकी बात करते हैं इस रैम की, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वक्त मैं अगर इस पर प्रेस करता हूं तो आप ये देख लें 8 GB इसकी इस वक्त जो एक्चुअल रैम है, जबकि रोम में से ये 5 GB जो है वो यूज़ कर रहा है। तो आप इसे जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे जो है वो मज़ीद 8 तक ले जाकर 16 GB का रैम जो है वो मॉड्यूल बना सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ीचर है जो कि इसके अंदर एडेड है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से हट के और इसके फीचर्स देखेंगे तो मैं इसके फ़ीचर्स जो इसकी क्वालिटीज़ होंगे उसके मुतालिक एक और वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ प्राइस के हवाले से। अगर वैसे देखें तो लुक इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही गुड लुकिंग है सेट, ठीक है। और इसके जो कैमरा रिजल्ट हैं वो भी मैं आपको एट द एंड जो है वो शो कर दूंगा कि इसके कैमरा रिजल्ट क्या है। डबल मेन्यू इसमें आता है, अगर राइट साइड से आप डाउन करते हैं तो इसमें जो है वो शॉर्ट मेन्यू आ जाता है, जबकि अगर आप लेफ़्ट साइड से डाउन करते हैं तो आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन एरिया जो है वो शो होता है। इसी तरीके से 360 इसके अंदर जो है वो टॉर्च जो है वो दी गई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसे प्रेस करके रखते हैं तो आपके सामने ये अपीयर हो जाता है। अगर आप फ्रंट लाइट जलाना चाहें तो ये देखें फ्रंट लाइट आप जला सकते हैं, अगर आप इसे प्रेस करके रखते हैं तो 360 लाइट जो है ये देखें फ्रंट पर भी आपको इस वक्त लाइट नज़र आ रही है, और बैक पर भी जो लाइट है वो इसमें मौजूद है। तो 360 इसमें जो है वो फ्लैश लाइट जो है वो दी गई है। तो ये इसका जो है वो एक फ़ीचर है जो मैंने कहा आपको बता दूं। बाकी फीचर्स मैं आपको बता दूंगा इसके बाद में, एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके जो स्पेशल फ़ीचर्स हैं उसके मुतालिक मैं आपको बता दूंगा। इसका एक फ़ीचर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जून में जो है लॉन्च हुआ था, 4 GB और 128 GB के साथ इसका वेरियंट था, जो 45,000 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो वेरियंट हमने मंगाया स्पेशल वेरियंट है, और ये वेरियंट जो है वो 8 GB 256 GB के साथ है, जबकि 8 GB जो है इसकी एक्सटेंडेड मेमोरी है, तो आप 16 GB तक ले जा सकते हैं। लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये 16 GB 256 GB का वेरिएंट है जो कि इस वक्त हमने मंगवाया है। ये अब आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं, जो पहला वेरिएंट है वो अगर आपका
45,000 का था तो ये वेरिएंट कितने का होगा? तो भाई बात गलत है, इसकी प्राइस डाउन हो चुकी है, हमने ये सिर्फ और सिर्फ 33,000 के अंदर मंगाया। जी हाँ, ये वाला वेरिएंट हमने 33,000 का मंगाया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आईटेल की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये इस वक्त जो है वो 35 से ऊपर है, ठीक है। तो प्राइस ओए की जो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा जिस वक्त नॉमिनल हमें लगी और सबसे बेहतरीन प्राइस हमें मिली। इसके अलावा हमने द्रास पर दूसरे भी सेक्शन देखे लेकिन सबसे बेहतरीन जो प्राइस है वो इसके ऊपर आई है। तो अगर आपने ऑर्डर करना हो तो ये आप जो है वो मोबाइल ऑर्डर कर सकते हो। और इसका एक बेस्ट फीचर जो है वो एट द एंड मैं आपको बताता हूँ, और वो फीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के अंदर, इसके अलावा किसी और जो है वो मोबाइल में आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इसके तीन कलर वेरिएंट है, स्काई ब्लू है, ब्लैक है और ये वाइट है। और जिस फीचर की मैं बात करूँ वो फीचर सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाइट में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पिक्चर्स क्वालिटी के मुताबिक मैंने जो 50 मेगापिक्सल उसके मुताबिक आपको बता दिया है कि वो एट द एंड आप पिक्चर्स जो है वो देख लेगा जो हम इससे खींच लेंगे, वो फ्रंट कैमरे से भी होगी और बैक कैमरा से भी आपको देंगे। और वाइट के मुताबिक जो मैं आपको फ़ीचर्स की बात करा तो आप वो सुन लें। वाइट का फीचर ये है जनाब के जिस वक्त आप इसे सनलाइट में लेके जाते हैं तो विजू लाइट की वजह से इसकी जो बैक बॉडी है, ठीक है, वो कलर चेंज करती है, वो पिंकिश हो जाती है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि इसकी जो कलर जो है वो इस वक्त चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और जिस वक्त आप विजू लाइट से वापस अपने नॉर्मल लाइट में आ जाते हैं तो ये वापस अपनी स्किन को वाइट जो है वो कर लेता है। तो ये एक इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर, और ये सिर्फ वाइट में, यही वजह है कि ये मॉडल वाइट वाला जो है वो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है। प्राइस मैंने आपको बता दी 33,000 जो ये वाला वेरिएंट है उसकी, वैसे अगर आप मार्केट में देखेंगे 29,000 का सिर्फ वो वेरिएंट मिल रहा है जो कि 8 GB है और 128 GB रोम वाला है। तो हमने जो वेरिएंट मंगवाया, हम आप कह सकते हैं गुड लक है हमारी कि हमने 16 GB रोम वाला और 256 GB रोम वाला, सॉरी, और 16 GB रैम वाला वेरिएंट जो है वो मंगाया है। वाइट कलर इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सेट कर सकते हैं इसको सेटिंग में जाके। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसकी दूसरी वीडियो बताएंगे जिसमें हम इसके तमाम फीचर जो है वो एडअप कर देंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।